और जो मैम है उन्होंने हमको पर्सनल काउंसलिंग दी हमारे करियर के बारे में कि हम लोग को मतलब आगे फ्यूचर में कैसे हम लोग करेंगे परस्यू करेंगे फैशन डिज़ाइनिंग। मैं आज यहाँ पे मतलब वर्कशॉप में आई थी और यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब यहाँ पे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया है कि कैसे क्या चीज़ करनी है, और जो मैम है उन्होंने हमको पर्सनल काउंसलिंग दी हमारे करियर के बारे में कि हम लोग को मतलब आगे फ्यूचर में कैसे हम लोग करेंगे परस्यू करेंगे फैशन डिज़ाइनिंग। और क्या कुछ नया सीखने को मिला है यहाँ पर? कुछ नया तो मतलब हम लोग ने टीम वर्क करके मतलब सबके साथ मिलके काम करा, वो नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए, नया अनुभव है। हाँ ऐसे मतलब अजमेर में और भी वर्कशॉप्स होनी चाहिए ताकि और बच्चों को पता चले इनके बारे में और वो ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। हर्षिता रंग आज हम लोगों ने क्रिएटिव करियर काउंसलिंग का वर्कशॉप रखा और ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। काफ़ी सारे अजमेर के स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमने पैनल डिस्कशंस करवाया, इंडस्ट्री से हमने फैकल्टीज़ को इनवाइट किया, उन्होंने आकर के पैनल्स डिस्कशन किया, क्या क्या फील्ड हो सकते हैं उस बारे में हमने स्टूडेंट्स को बताया, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, उसमें हमने हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स भी करवाई और काफ़ी सारे पेरेंट्स भी आए, स्कूल के टीचर्स भी आए, 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स आए और उन्होंने पूछा कि किस तरह से वो करियर बना सकते हैं डिज़ाइनिंग में, और हमने कोशिश करी कि उन्हें इस तरह से हम पूरा सिखा सकें, बता सकें और आगे उनको फ्यूचर में हेल्प कर सकें। आज करीब मेरे पास में 400 से 500 बच्चे ने विज़िट किया और उन्होंने आकर के जो हमने वर्क किया है, काफ़ी सारा वर्क हमने डिस्प्ले किया जो डिज़ाइन और आर्ट से रिलेटेड है, आर्ट में क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सब बताए। 400 से 500 के बीच में स्टूडेंट ने आकर के यहाँ पर विज़िट किया और देखा, सीखा, और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात करी तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि उन्होंने बहुत कुछ नई चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं आकर के और बहुत कुछ नया उनने अनुभव मिला। ये शाम को 5 बजे तक चलने वाला है और अगर कोई भी आकर के इसको ज्वाइन करना चाह रहा है, इसकी हमने कोई कॉस्ट नहीं रखी, ये हमने रजिस्ट्रेशन फ्री रखा है सो दैट हम अजमेर के स्टूडेंट्स को अवेयर करा सकें कि डिज़ाइन में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, किस तरह से वो डिज़ाइन में अपना करियर बना सकते हैं और कॉलेज में जा सकते हैं और उसमें अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। आगे भी बिल्कुल हम आना चाहेंगे, इस तरीके का काम करना चाहेंगे, हम चाहते हैं, मैं बेसिकली ये चाहती हूँ कि मैं जितनी नॉलेज स्प्रेड कर सकूँ उतना मैं कोशिश कर रही हूँ करने के लिए। अजमेर में हमारा ये फर्स्ट इवेंट रहा है और भी हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हम और इवेंट्स इस तरह के करें और अजमेर में और भी सिटीज़ में हम करें। वैसे मेरा नेक्स्ट इवेंट अब अलवर में भी प्लान्ड है तो हम 31 जुलाई को अलवर में भी जा रहे हैं, वहाँ पे हम नेक्स्ट इवेंट करेंगे, फिर हम जयपुर में करेंगे। इस तरह से इस बार हमारा प्लान है कि हम पूरे राजस्थान में इस तरह के इवेंट्स करने वाले हैं। वर्कशॉप में कौन कौन शामिल हुए? वर्कशॉप में पैनल में मेरे पास में थे अंकुर सर, थे ऋषभ सर, आयुषी मैम और मैं खुद थी वहाँ पर, और हमने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, उनके जो भी उनके मन में क्वेरीज थी डिज़ाइन से रिलेटेड, वो सारी क्वेरीज सॉल्व करी। काफ़ी देर तक हमारी पर्सनल काउंसलिंग भी चली, कुछ स्टूडेंट्स ने पर्सनल काउंसलिंग भी ली, काफ़ी पेरेंट्स भी मेरे से आकर के मिलके गए और कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में इस कोर्स में जाना चाहेंगे। जो चीज़ें उन्हें नहीं पता थी, जो बातें उन्हें नहीं पता थी, वो सब हमने उन्हें अवेयर कराई। गुड नाइट। माई सेल्फ रीना भाटिया फ्रॉम मैक्स स्कूल ऑफ डिज़ाइन जयपुर।